नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों ऐसे शेयर के बारे में जो अभी तक जिनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मतलब कि ये अभी भी जो है चले नहीं है स्टॉक, और आने वाले कुछ ही टाइम बाद, मतलब एक दो दिन के बाद ही जो है इनमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और ये बेस्ट स्टॉक है अभी बाय करने के लिए दोस्तों। तो पहले शेयर की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ, उसे पहले मैं बता दूँ कि मार्केट शायद और भी डाउन आए तो आप इनको जो है एक एक दो दो शेयर करके जो है बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं दोस्तों, ताकि इसका जो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है वो फ्यूचर में आपको देखने को मिले। जितना आप डीप में परचेज करोगे उतना ही जो है आपको कंपाउंडिंग में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो पहले शेयर की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ, फर्स्ट जो शेयर है दोस्तों वो है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका जो मेन काम है दोस्तों वो है, मतलब एक तो ये मोनोपोली बिजनेस है इनका दोस्तों, और रेलवे का, और ये कैटरिंग भी जो है प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि खाना पीना और टूरिज्म जो है सब कुछ जो है इंडियन रेलवे कराता है। तो ये वो कंपनी है दोस्तों, और आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है कंपनी। कंपनी की अगर बात करें तो 1300 के आसपास कंपनी गई थी, और फिलहाल 757 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। फिर जोन से जो है आउट हो चुकी है, लेकिन इसको नहीं बोल सकते आउट क्योंकि अभी जो सारा मार्केट ही डाउन चल रहा है, तो इसमें भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, और आने वाले टाइम में जो है इस प्राइस में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगली जो कंपनी दोस्तों वो है अल्काइल अमाइन। यदि बात करें, मार्केट लीडर है केमिकल सेक्टर में, और फिलहाल जो है 3000 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये ओल्ड टाइम जो है 4700 रुपये के आसपास गया था, मतलब 1700 रुपये का जो है अभी भी डिस्काउंट इस शेयर में देखने को मिल रहा है। 4700 इसने टॉप लगाया था दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं फिलहाल जो है अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहा है। यदि बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, और कुछ ही टाइम बाद जो है बाय का वॉल्यूम अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और जल्द ही इसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की बात कर लेते हैं, अगला जो शेयर है वो एस्ट्रल लिमिटेड। यदि इस शेयर की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी जो है अच्छा खासा बिजनेस इसका पाइप सेक्टर का, PVC पाइप जो है बनाती है कंपनी, और लगातार जो है इनकी प्रॉफिट में ग्रोथ है, और साथ ही साथ जो है इनकी जो इनकम है, मतलब कि सेविंग है, वो भी बढ़ रही है दोस्तों। इसकी अगर बात करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला है, और यदि आपको और भी ज़्यादा डीप में ये शेयर मिलता है तो आप इसको जो है उठा सकते हैं, और कुछ ही टाइम बाद अच्छा खासा प्रॉफिट ये शेयर भी आपको दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट शेयर जो है दोस्तों वो है बजाज हेल्थ केयर। यदि बात करें इसकी, तो फार्मा सेक्टर का स्मॉल कैप शेयर है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छी खासी इस शेयर में रहने वाली है। यदि बात करें इसकी, तो ये करीब करीब 510 रुपये के आसपास टॉप में गया था, और फिलहाल जो है 382 रुपये के आसपास, और फिर जो उनसे आउट हो चुका है। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, और कुछ ही टाइम बाद जो है, जैसे कि आपने पीछे देखिए, जैसे इसमें वॉल्यूम आया तो इसने जो है अच्छा खासा जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखाया इस शेयर ने। आने वाले कुछ टाइम बाद जैसे कि फिलहाल वॉल्यूम कम है, तो जैसे वॉल्यूम में यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देगा, वैसे जो है ये स्टॉक अच्छे खासा 500 की तरफ देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की बात करें, तो अगला जो शेयर है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस प्रोडक्ट में ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है, और मेड इन इंडिया जो है प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, LED LCD से लेकर के और भी ज़बरदस्त जो कि मोबाइल वगैरह LCD है वो भी ये कंपनी जो है बनाती है। इसमें अच्छी खासी तेज़ी जो है नहीं आई अभी तक, लेकिन कुछ ही टाइम बाद अच्छा खासा जैसे ही वॉल्यूम देखने को मिलेगा यहाँ पे, वैसे जो है अच्छा खासा प्राइस जो है देखने को मिलेगा। फिलहाल जो 4163 रुपये के आसपास जो है शेयर देखने को मिल रहा है, और इसने टॉप जो है 6500 रुपये के आसपास टॉप लगाया था दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की बात करें, तो अगला जो शेयर है वो है DMart, जिसने अच्छे खासे जो है प्रॉफिट बना करके दिए, और आने वाले कुछ ही टाइम बाद जो है जैसे जैसे इनके स्टोर नए ओपन होंगे वैसे वैसे प्रॉफिट इनका ग्रोथ होगा, और वैसे ही जो है अच्छा खासा प्राइस जो है देखने को मिलेगा। यदि बात करें फियर जोन से जो है ये स्टॉक आउट हो चुका है। इसी की बात करें, इस स्टॉक ने जो टॉप लगाया था वो लगभग 6000 के आसपास का टॉप लगाया था दोस्तों, और फिलहाल जो है 4199 रुपये के आसपास, लगभग 4200 रुपये के आसपास मिल रहा है, मतलब कि 1800 रुपये का डिस्काउंट इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी जो है एवरेज कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों। इसकी बात करें तो ये जो है फियर जोन से आउट हो चुका है, और यदि इसकी बात करें तो इसने 1500-1600 रुपये का टॉप लगाया था, आने वाले कुछ ही टाइम बाद जो है अच्छे खासे प्राइस पे देखने को मिलेगा, लगभग 1500 के आसपास जल्दी भागते हुए दिखाई देगा दोस्तों। इसके वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम है,
जल्द ही इसमें अच्छे खासे जो है प्रॉफिट देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, पीछे जैसे ही वॉल्यूम आया वैसे ही इसने जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने। नेक्स्ट जो शेयर है वो है लेटेंट व्यू, आईटी सेक्टर का जो है न्यू लिस्टेड शेयर है। इसकी अगर बात करें तो अच्छा खासा और फियर जोन में मिल रहा है, लगभग 39 पॉइंट के आसपास और 418 रुपये का शेयर प्राइस है दोस्तों। अगर टॉप की अगर बात करें तो 750 रुपये का टॉप इस शेयर ने लगाया था और फिलहाल जो है 418 पे, तो आप इसको भी जो है बाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हाई रिस्क रहेगा। इसी के साथ यदि बात करें आगे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी चल जाती है तो प्रॉफिट भी अच्छे खासे ये कंपनी बना करके दे सकती है। अगली जो कंपनी है दोस्तों वो है लक्ष्मी केमिकल, और इसकी अगर बात करें तो ये फियर जोन से आउट हो चुके हैं, वॉल्यूम काफ़ी कम है। जैसे इसमें भी वॉल्यूम दिखाई देंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिखाया इसने ग्रोथ दिखाया, वैसे ही इसमें भी जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द ये जो है 600 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएगा दोस्तों। फिलहाल की बात करें तो 420 का जो है इसने शेयर प्राइस है इसका, और यदि बात करें तो 370 के आसपास का जो है लोअर इसने लगाया था दोस्तों। अगली जो कंपनी है वो है केमिकल सेक्टर की रोजारी बायोटेक, इसके आप रिजल्ट देखोगे अच्छे खासे ग्रो कर रही है, इसी के साथ जो है सेल भी ग्रोथ कर रही है। तो फिलहाल की बात करें तो 955 के आसपास जो है शेयर मिल रहा है, लेकिन 900 रुपये का इसने जो है लोअर लगाया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो है ये 1600-1700 के आसपास देखने को मिलेगा। अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बेशक जो है स्मॉल मिड कैप में आती है, लेकिन अच्छी खासी कंपनी, और आने वाले टाइम में अच्छे जो है रिजल्ट दे सकती है कंपनी और लॉन्ग टर्म में टिक सकती है। तो ये थे 10 ऐसे शेयर दोस्तों जो कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, और यदि आपके पास है तो आप एवरेज कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छा खासा टाइम है, बाय ऑन डिप्स कीजिए, अच्छे खासे प्राइस पे ही मिल रहे हैं। जैसे जैसे और भी डाउन मिले तो आप जो है एक दो स्टॉक उठा सकते हैं दोस्तों। और ये जो वीडियो था स्पेशल उन दोस्तों के लिए जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन से शेयर लें अभी, तो मार्केट में हलचल हो सकती है दोस्तों, कि अप डाउन अप या थोड़ा बहुत डाउन भी देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं ऐसी ही जो है स्टडी के लिए, ऐसे ही जो है अच्छे स्टॉक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।